टू माई न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं बीच में हम नहीं बना रहे थे छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था तो आज हम सोचे कि आप लोगों के लिए एक वीडियो हम लाते हैं तो आज हम आप लोगों को अपना शादी का एल्बम दिखाएंगे कि मेरा एल्बम कैसे बना है उसमें कौन कौन है कैसे कैसे मेरी शादी हुई थी कौन कौन रस्म हुआ था आप लोगों को हम दिखाएंगे तो आप लोग बने रहिए वीडियो में तो चलिए वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करेंगे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आप लोगों को हम दिखाएंगे अपना शादी का एल्बम तो बने रहिए हम ले आए हैं अपना शादी का एल्बम तो चलिए आप लोगों को हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को सो so, गाइज ये है मेरा शादी का एल्बम इसको हम खोलते हैं अभी बहुत दिन बाद निकाले हैं रखा हुआ था बॉक्स में तो इसको अभी खोलते हैं चलिए खोलना स्टार्ट करते हैं इधर से तो गाइज़ ये देख सकते हैं इसको हम ओपन कर लिए हैं अभी इसको हम इस तरह से तो अभी इसको तो गाइज ये देख सकते हैं ये ये हम हैं वेडिंग चार दो दो हजार उन्नीस यानी कि चार फरवरी महीना दो था और दो हजार उन्नीस में, में मेरी शादी हुई थी अरविंद वेट्स कामिनी यानी कि मेरा नाम एक कामिनी भी है जो सर्टिफिकेट में है घर का नाम मेरा सपना है जो कि मेरा चैनल का भी नाम है तो ये देखिए फौजी साहब ये हम तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा फोटो सूट हुआ था देखिए ये देखिए ये मेरी शादी का लहंगा है जो मुझे फौजी साहब इधर से दिए थे और इस तरह से शूट हुआ था ये डोली में बैठे हैं डोली में मतलब डोली सब आया था मेरी शादी में देख सकते हैं इधर फौजी साहब स्टेज पे बैठे हैं और इधर इस तरीके से फ़ोटो शूट हुआ था ऐसे करके देख सकते हैं ये देखिए इधर भी है इस तरीके से ऐसे करके हुआ था अब चलते हैं आगे अब ये देखिए ये मेरे ससुराल का सीन है इसमें ये सब जो है जेठ जी लगेंगे कोई सब जो है मिलके हम लोगों में जो सत्यनारायण पूजा के दिन पूजा होता है वही सब हो रहा है इधर जो है उखली में पता नहीं क्या कुटते हैं शादी में वो हो रहा है इधर दिखाते हैं ये देखिए की मांग रहे हैं उसी दिन सत्यनारायण पूजा के दिन और ये मेरे ससुर जी हैं पापा वो पंडित जी हैं इधर देखिए ये शादी के दिन का सीन है यहाँ पे लेडीज़ लोग अपना रस्म कर रही है जो भी हमारे बिहारी कल्चर में होता है यहाँ पानी भर रही है ये सब सीन है यानी कि शादी के एक दिन पहले का सीन है ये सब आप दिखाते हैं आप लोगों को ये देखिए यहाँ भी रसम हो रहा है यहाँ भी हो रहा है ये मम्मी है ये फौजी साहब इधर भी है हमारे गांव की दीदी लोग बगल की ये यह यहाँ भी है सब हो रहा है यहाँ भी जो है लेडीज़ लोग पाँच जाती है ना पानी भरने वही है यहाँ पे भी हो रहा है गिढारी रस्म हो रहा है जो हमारे बिहार में होता है अब आगे चलिए ये हमारा देवता घर है पूजा घर जहाँ पे फौजी साहब प्रणाम कर रहे हैं देवता को यहाँ लावा भूजने वाला रस्म हो रहा है देखिए लावा भूजने वाला ये दीदी है जो लावा भूज रही है यानी कि फौजी साहब के बड़े पापा की लड़की है अब यहाँ दिखाते हैं ये मौसा जी हैं और यहाँ भी हो रहा है रस्म देखिए फौजी साहब का यहाँ तिलक हो रहा है तिलक देने मेरे पापा लोग आए थे मैके से ये दीदी लोग हैं यानी कि मेरी जेठानी लोग हैं ये मम्मी है फौजी साहब हैं यहाँ पे गांव का जो होते हैं बच्चा लोग वही है आगे चलते हैं यहाँ भी लावा भुजने के टाइम जो फ़ोटो शूट हो रहा था वही सब सीन है यहाँ पे सेम अब आगे चलते हैं यहाँ भी ये जेठ जी लगेंगे हल्दी लगा रहे हैं यहाँ भी हल्दी हो गया है सुहाग दे रहे हैं ये बड़ी जेठानी है यानी कि बगल की है और यहाँ पर आदमी सब है दरवाजे पर ये भी सुहाग दे रही है आगे चलते हैं देखिए नानी है फौजी साहब की नानी है ये वो फौजी साहब की बड़ी मम्मी है आगे चलते हैं ये बड़ी मम्मी है फौजी साहब की ये फौजी साहब के बड़े पापा की बहू है भाभी, ये बड़े पापा की लड़की यहाँ भी से ये दीदी है जेठानी लगेगी और ये भी जेठानी लगेगी दोनों यहाँ भी ये मम्मी है यानी कि बड़ी मम्मी लगेगी ससुराल में अब आगे चलते हैं यहाँ भी सेम रस्म हो रहा है देखिए यहाँ पे आम गाछ में पता नहीं गला मिलते हैं वो रसम हो रहा है यहाँ भी यानी कि अभी शादी वाला नहीं आया है आप लोगों को ये भी दिखाते हैं सब सेम ही है सुहाग दे रहे हैं अब यहाँ पे हो रहे हैं बाराती के लिए रेडी हो गए हैं फौजी साहब शेरवानी में अब निकलेंगे बाराती देख लीजिए अभी बाराती निकलने से पहले जो होता है टीका लगाया जाता है चौका पे बैठाया जाता है वो रसम हो रहा है पापा जी वहाँ कर रहे हैं यहाँ पे और सब आदमी सब जो है वो कर रहे हैं पता नहीं कौन कौन है उतना हम नहीं पहचानते हैं यहाँ भी वही सेम यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं देवता घर में फौजी साहब जाने के पहले यहाँ पे मोर चढ़ाया जाता है हम लोगों में बराती जाते टाइम आगे चलते हैं यहाँ भी वही सेम ये गाड़ी है जो शादी में गया था शादी करने के लिए इसी में बैठ के गए थे फौजी साहब और यहाँ भी सेम है यहाँ पर डांस हो रहा है यहाँ मम्मी बड़ी मम्मी है पानी लेके खड़ी आगे चलते हैं सेम अभी पहुँच पहुँच गए हैं मेरे दरवाजे पे यानी कि मेरे मायके पहुँच गए बराती लेके देख सकते हैं यहाँ पर ये यह हमारा शादी लगाए थे यही हमारा जो है शादी लगाए थे डायरेक्टर मेन यही है इस यही ले जा रहे हैं अंदर में तो अभी चलते हैं ये देखिए ये स्टेज पे बैठ चुके हैं फौजी साहब ये देखिए यहाँ बैठ चुके हैं आगे चलते हैं ये देखिए यहाँ पर परछ रही है यानी कि मेरी भाभी मेरी दीदी ये दीदी लोग हैं सब परछ रही है वेलकम कर रही है और यहाँ पर फौजी साहब यहाँ पर मेरी मम्मी यहाँ मेरी दीदी ये भी मम्मी दीदी सब है फौजी साहब को परछ रही है आगे चलते हैं यहाँ पर मेरा जो है हम डोली में बैठ रहे हैं ये मेरी सहेली है और वो फौजी साहब का बहन है दोनों बराती गई थी अब देखिए इसमें हम डोली में बैठ के जा रहे हैं यानी कि मेरे शादी में डोली का हार सब आए थे यहाँ वरमाला हो रहा है अब देखिए यहाँ पे सेम यहाँ पर नाम कर रहे हैं फौजी साहब को हम आप लोगों को कम जो है दिखाना चाहते हैं यानी कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते शॉर्टकट में दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो ये देखिए मेरा भतीजा लगेगा हमको स्टेज पर से ले नीचे आ रहे हैं यहाँ देखिए सिंदूरदान यहाँ सिंदूरदान होके बैठे हैं मंडप में यहाँ भी वही सीन है यहाँ सिंदूरदान हो गया है मेरी शादी में तो इतना हार बड़ी कर दिया था ना मेरे ससुर जी सबसे पहले बोल रहे थे सिंदूरदान ही करवाना है ऐसे कर रहे थे यहाँ पे देखिए वही सेम यहाँ घूंघट हो रहा है ये बड़े पापा का लड़का है फौजी साहब से बड़े हैं जो जेठ जी लगेंगे घूंघट दे रहे हैं यहाँ पर फिर ठाकुर जी हैं जो भी कर रहे हैं जो भी है होता है ये खीर खिलाने वाला रस्म हो रहा है यहाँ भी खीर खिलाने वाला रस्म हो रहा है यहाँ देखिए मंडप पे शादी के बाद जो है खाया जाता है ससुराल वाले को खिलाया जाता है तो वही हो रहा है आगे चलते हैं यहाँ पे हम आ चुके नहीं यहाँ पे हो रही है मेरी विदाई ये देखिए मेरे पापा हैं फौजी साहब है, है प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम हैं यहाँ भी पापा को प्रणाम यहाँ पे देखिए पापा सी लिपट के रो रहे हैं मेरी बहन लोग सब रो रही है आगे चलते हैं यहाँ भी सेम रो रहे हैं विदाई हो रहा है इमोशनल मोमेंट है यहाँ पर अब आ चुके हैं हम अपना माय ससुराल में तो देखिए ससुराल में आ गए हैं ये सब ससुराल वाले ही हैं जहाँ जितना भी देख रहे हैं यहीं का आदमी है आप लोगों को यहाँ का कुछ अलग देखने को मिलेगा आदमी सब अब मेरे मायके का अलग देखने को मिलेगा आप लोगों को तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं वेलकम हो गया है और छमनी में फजी साहब पैर दे के आ रहे हैं हमको ले कर आ रहे हैं और इधर चौका पे बैठा के दूध धान दे रहे हैं पापा बड़े लोग यहाँ पे मम्मी सब है ये देखिए पापा ये और आदमी सब है पता नहीं कौन है ये देखिए ये देखिए सभी दोस्त लोग ये मेरे मायके का है सब बेटा लगेगा शम्भू शम्भू का दोस्त ये मेरे देवर जी हैं ये मेरे देवर जी हैं उनका दोस्त लोग हैं ये मेरे देवर का दोस्त है ये रिसेप्शन का सीन है ये रिसेप्शन का ये सीन सब है ये दीदी लोग हैं जन जेठानी लोग हैं ये ये दोनों बड़ी है हमसे और ये भी जेठानी है ये भी जेठ ये ननद है आगे चलते हैं ये मेरे भैया ये मेरे गांव का है ये बड़ी जेठानी लगेगी ये मेरा दीदी का लड़का है यानी कि मेरी सिस्टर का बेटा दोनों है ये है इसको हम आंटी लगेंगे भतीजा लगेगा ये मेरा देवर है ये हम हैं यहाँ पे खा रहे हैं रिसेप्शन के दिन भोज का सीन है यहाँ पे सब खा रहे हैं देखिए दीदी लोग खा रही है आगे चलते हैं यहाँ पे फोटो शूट हो रहा था फौजी साहब के साथ में देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ ब्लैक एंड वाइट तो ये देखिए फौजी साहब और मेरा फ़ोटो इस तरीके से मेरी शादी हुई थी फ़ौजी साहब के साथ में तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताना मेरा एल्बम शादी का आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना तो चलिए लास्ट हो गया बंद कर देते हैं तो गायज आप लोगों को मेरा शादी का एल्बम कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बाय बाय